फैजान समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं रिजवाना खान के बारे में, जो कि वो पहले बीजेपी में थे लेकिन अब MIM में शामिल हो चुके हैं। इनको मुंबई महिला प्रेसिडेंट का पोस्ट दिया गया है। आइए हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। मिला है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे मजलिस से जो पोस्ट मिला है, अभी हमारे फैजान ने हमें जो जिम्मेदारी दी है, तो उस पर हम बाकी भी पूरी तरह से जिम्मेदारी से काम करेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो हर तबके के साथ देती है। मतलब हमारे जो सदन है अलीगढ़ सदन एसोसिएशन मजलिस सभा, वो संविधान की जो लड़ाई लड़ते हैं वो हर किसी के हक में होती है। उसमें कोई जाति धर्म या कौन नहीं देखी जाती, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख ईसाई हो, तो सबके लड़े हैं और हक की आवाज़ बुलंद करना, और इसके लिए हम महिलाओं को आगे आना होगा। ये जिम्मेदारी हम तो बापू की जिम्मेदारी से। आप महिलाओं के साथ मिलकर किस तरीके से करेंगी, मतलब शुरुआत? जिस तरीके से आपने देखा है कि दिल्ली में शाहीन बाग में महिलाएं बैठी है, उस तरीके से हमारे हर एक घर से महिलाएं निकलेंगी और मजलिस को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। इंशाल्लाह हम इसके लिए पूरी तैयारी से हम काम करेंगे। शुरुआत से आपने देखा है कि दिल्ली में शाहीन बाग में महिलाएं बैठी है, उस तरीके से हमारे हर एक घर से महिलाएं निकलेंगी और मजलिस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इंशाल्लाह हम इसके लिए पूरी तैयारी से हम काम करेंगे। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666477110। धन्यवाद।